स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर बीबीएल T20 मैच प्रीव्यू। तो बिना देरी किए हम प्रीव्यू शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच SCG सिडनी के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन दोपहर के 1:10 पर स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको बताए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 29 दिसंबर को सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पिच रही है यहाँ पे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG की, आपको यहाँ पे इधर से दिखने वाली है। इस पिच की दोस्तों खासियत का जो पिच है दोस्तों, ये पिच बहुत बढ़िया दोस्तों बैटर्स के लिए प्रेफरेंस बनता है। बस जो लास्ट मैच यहाँ पे होता है ना दोस्तों 29 दिसंबर को किसके बीच में, सिडनी सिक्सर्स वर्सेज ब्रिस्बेन हीट के बीच में दोस्तों, बस एक गेम एकमात्र लो स्कोरिंग मैच था, वरना यहाँ पर दोस्तों हर बार अच्छे स्कोर्स बनते हैं। बैटिंग दोस्तों फ्रेंडली पिच होती है, ठीक है, चीज़ आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पर ना आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, जो भी टीम टॉस जीतेगी ज़्यादातर यहाँ पे क्या करती है, वो यहाँ पे दोस्तों बैट फर्स्ट करना पसंद करती है। इसका रीज़न क्या, यहाँ पर ना आउट ऑफ लास्ट 7 गेम जो टीम बैट फर्स्ट करती है 4 मैच जीती है। और दोस्तों एक और फैक्टर है यहाँ पे कि पहली पारी के अंदर ना दोस्तों यहाँ पे थोड़े कम विकेट गिरते हैं, और दूसरी पारी के अंदर मतलब सेकेंड इनिंग्स के अंदर ना यहाँ पर दोस्तों बॉलर ज़्यादा विकेट निकालते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग्स। आपको स्टैट्स जरूर भी अब समझाऊंगा मैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों यहाँ पे चेस करना अंडर प्रेशर थोड़ा डिफिकल्ट है, चेस होता है लेकिन दोस्तों विकेट्स बहुत गिरते हैं यहाँ पे अंडर प्रेशर चेस्ट के टाइम पे। दोस्तों आप पिच को यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे पिच दिखेगी। अब ग्राउंड डायमेंशंस की बात करते हैं, सामने की बाउंड्री आपको यहाँ पे 83 मीटर्स की देखने को मिलेंगी। वहीं दोस्तों यहाँ पे जो स्क्वायर बाउंड्रीज है ना, एक तरफ 63 मीटर है, एक तरफ 63 मीटर है, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों सामने की बाउंड्री बहुत बड़ी है, वहीं यहाँ पर दोस्तों बहुत छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज है। तो बैटर कोशिश करेंगे दोस्तों कि लेग साइड पर ऑफ साइड पर छक्के मारने की, ना कि दोस्तों सामने सामने बाउंड्री बहुत बड़ी है, उसको क्लियर करने के लिए आपको टाइमिंग चाहिए और अच्छे खासा दमखम चाहिए आपको। अब देखो दोस्तों स्टेडियम ऐसा दिखेगा आपको, ये दोस्तों कहते हैं कि स्टेडियम है एक बहुत ही दोस्तों खूबसूरत स्टेडियम है। यहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े मैचेस होते हैं एशेज वगैरह के, आपको बताया होगा 4th टेस्ट यहीं पे हुआ था दोस्तों एशेज का, जहाँ पे उस्मान ख्वाजा डबल सेंचुरी दोस्तों बनाई थी। डबल सेंचुरी मतलब ट्विन सेंचुरी थी पहली पारी के अंदर, दूसरी पारी के अंदर दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है दोस्तों, मजा आने वाला इस मैच के अंदर। स्वागत है आप सबका बिग बैश लीग के अंदर, द लीग ऑफ चैंपियंस, द ग्रैंडेस्ट T20 लीग इन द वर्ल्ड बिग बैश लीग के अंदर। चलते हैं दोस्तों स्टैट्स की तरफ, आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको पहले भी समझाया था, जब भी मेलबर्न और मेलबर्न के बीच में मैच होता ना, अब कहोगे दोस्तों यार मेलबर्न और मेलबर्न के बीच में मैच कैसे होता है। आप देखो मेलबर्न स्टार्स एक टीम है, एक है मेलबर्न रेनेगेड्स, ये दोनों को दोस्तों अपन जब मैच होता है उसको अपन बोलते हैं डर्बी। ये डर्बी के बीच में मैच हो रहा है, आपके फैक्ट के लिए बता रहा हूँ। जब दोस्तों दो सिडनी के बीच में मैच होता है ना, एक सिडनी सिक्सर्स है एक सिडनी थंडर है, तब इसको दोस्तों अपन बोलते हैं सिडनी स्मैश हो रहा है भाई साहब। ये वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों बोलते हैं, वहाँ पे दोस्तों कहावत है, फैक्ट है कि भाई जब सिडनी सिडनी के बीच में मैच होता है उसको अपन बोलते हैं सिडनी स्मैश, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दिया। ये दोस्तों वेन्यू ना SCG सिडनी होम ग्राउंड है, किसका, सिडनी सिक्सर्स का होम ग्राउंड। अब देखो सोनी के ऊपर ना सिडनी सिक्सर्स ने 47 मैच खेले हैं, 28 मैच जीते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पे सिडनी थंडर ने 8 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं। जो टीम बैट फर्स्ट करी 4 मैच जीते, आपको पहले बताया था, जो टीम चेस करती है मात्र 3 मैच जीते आउट ऑफ लास्ट 7 गेम्स। वो तो लास्ट मैच दोस्तों शीन अबॉट और बैन वर्सेस ने जिता दिया था, वरना दोस्तों टीम भी आई थिंक ब्रिस्बेन हीट जीती बैट फर्स्ट करते हुए, तो यहाँ पे 5-7 होता, पर चलता है दोस्तों कोई बात नहीं है। ऑस्ट्रेलियन स्कोर 140-180। लास्ट 7 मैच में यहाँ पे क्या हुआ था, पेसर्स मतलब तेज गेंदबाज 62 विकेट निकाला है लास्ट 7 मैच के अंदर, पहली पारी में 30 और दूसरी पारी के अंदर 32 विकेट्स यहाँ पे दोस्तों पेसर्स के, तो यहाँ पे भी दूसरी पारी के अंदर पेसर्स आगे हैं। राइट आर्म पेसर्स के 42 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के 20 विकेट्स हैं। बात करते हैं दोस्तों स्पिनर्स की, स्पिनर्स ने भी दोस्तों अच्छा खासा कंट्रोल करा है, लास्ट 7 मैच के अंदर 22 विकेट है, पहली पारी के अंदर मात्र 6 विकेट है, वहीं दोस्तों यहाँ पर दूसरी पारी के अंदर 16 विकेट्स हैं, कितनी बड़ी बात है यार। अब देखो ऑफ स्पिनर्स के 5 विकेट, लेग स्पिनर्स के 13 विकेट है, और यहाँ पर
जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिनट्स है उनके यहाँ पे 4 विकेट। जो दोस्तों यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था 29 दिसंबर की बात है, उस मैच में भाई साहब बहुत विकेट गिरे थे, एक लो स्कोरिंग थ्रिलिंग मैच था, 17 विकेट गिरे थे उस मैच के अंदर, 17 विकेट ठीक है बॉलर्स ने निकाले थे, 16 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाला था, पेसर्स ने 1 विकेट दोस्तों मात्र स्पिनर ने निकाला था। लेकिन इस बार क्या हो सकता है कि दोस्तों आपको बराबर रेशियो दिखे और ज्यादा विकेट ना गिरते हुए दिखे। क्लाउडी वेदर है दोस्तों, बारिश आ सकती है, थंडरस्टॉर्म लिखा हुआ गूगल के ऊपर, आप देखो थंडरस्टॉर्म लिखा हुआ है यार, ये चिंता की बात है। और दोस्तों एशेज के अंदर भी बारिश हो रही थी ओबर्ट के अंदर, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है सिडनी थंडर की तरफ से, दोस्तों क्रिस ग्रीन वापसी कर रहे हैं और यहाँ पर मोहम्मद असनैन दोस्तों अभी भी अवेलेबल है। मैं सोच रहा दोस्तों मोहम्मद असनैन अभी अवेलेबल होंगे, पीएसएल के लिए जा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों पीएसएल के लिए नहीं जा रहे। और यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स की बात करते हैं, इसके अंदर दोस्तों 2-3 चेंजेस है। शादाब खान पीएसएल ड्यूटी जा चुके हैं, ये दोस्तों अवेलेबल नहीं है, शादाब खान अपने अपना स्टिंट पूरा कर लिया है, स्टीव ओकीफ अवेलेबल हो चुके हैं, ये अच्छी बात है। बात जस्टिन एवेंडर ने स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है, दोनों टीम्स आपस में 29 मैच खेले हैं, सिडनी थंडर 7 जीती है, सिडनी सिक्सर्स 12 जीती है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लाइनअप्स की तो आपको ध्यान देना है इस साल सिडनी थंडर के साथ क्या हुआ है, वन लॉस। आई थिंक दोस्तों ये दोनों टीम से एक बहुत ही कड़क टीम लग रही है, ये दोनों दोस्तों टॉप 4 के अंदर है, देखते हैं कौन दोस्तों टॉप पे फिनिश करता है। एलेक्स चेल्स ओपन करेंगे यहाँ पे, मैट गिलिक्स के साथ आएंगे जसन सांगा, डैनियल सैम्स आएंगे, ओलिवर डेविस है तो एलेक्स रूस आ सकते हैं, फिर आएंगे बैन कटिंग्स, मैथन मैकेंड्रू, क्रिस ग्रीन है, गुरिंदर संधु, मोहम्मद हसनैन है, तनवीर सांगा है। यहाँ पर चलेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी तरफ, सिडनी सिक्सर्स की तरफ, वन लॉस वन अबंडन लॉस वन। फिलिपी ओपन करते हैं जैक एडवर्ड्स के साथ, आते हैं दोस्तों डैन यूक्स आते हैं, फिर यहाँ पे मोजेस एनरिकेस, जॉर्डन सेट, डैन क्रिश्चियन, शेन अबॉट, एडिन केयर बैंक वर्सेस स्टीव ओकीफ, जैक्सन बोर्ड्स। चलेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी तरफ, जब दोनों टीम आपस में खेलती है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है, जब एलेक्स चेल्स खेलते हैं अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स, 8 मैच 308 रन है, 38 की औसत है, गजब स्टैट्स है। बैट फर्स्ट के अंदर 110 89 54, 32-8-1 है, चेस के ऊपर 2-14 है, ये दोस्तों टॉप क्लास पर एलेक्स चेल्स है, जब दोस्तों फॉर्म में होते हैं भाई साहब पूरी दुनिया देखती है इस बंदे को, बहुत ही दोस्तों बढ़िया प्लेयर है। आएंगे फिर यहाँ पर मैट गिलिक्स, 2 मैचेस के अंदर 6 रन है, एटवुड के अंदर 0 बैट फर्स्ट है, 6 चेस के ऊपर, तो गए 2 मैच में 6 रन। जसवंत संघा का 3 मैच के अंदर यहाँ पर 55 रन है, हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स, अब देखो कैसे कर रहे हैं, बैट फर्स्ट 5, 3 भी बैट फर्स्ट है, चेस के ऊपर 47 है। डैन सैम्स आएंगे यहाँ पे, इनका परफॉर्मेंस देखो आप, 6 मैच के अंदर 113 रन है और 11 विकेट है, गजब स्टैट्स है भाई साहब के भी यहाँ पर हेड टू हेड के अंदर। बॉल फर्स्ट के अंदर 2 मैचेस में 5 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 4 मैचों में 6 विकेट है। अब बात करेंगे दोस्तों विद द बैट क्या करा डैनियल सैम्स ने, 50 नाबाद, बैट फर्स्ट 28-20, चेस के ऊपर 5 28 नाबाद, 1 मैच के अंदर विकेट लग गए 6 मैच खेल के। ओलिवर डेविस इस टीम के खिलाफ दोस्तों अभी तक खेले नहीं है, बैन कटिंग्स का 14 मैच में 169 रन से 12 विकेट है, क्रिस ग्रीन का 12 मैचेस में 8 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स, बॉल फर्स्ट के अंदर 2 विकेट है 3 मैचेस में, बॉल सेकंड के अंदर 9 मैचेस में 6 विकेट है, 6 मैच के अंदर विकेट लेस भी गए हैं। नेथन मैकेंड्रू 6 मैचों में 1 विकेट है मात्र, बॉल फर्स्ट 2 मैचेस में 0, बॉल सेकंड के अंदर 4 मैच में 1 विकेट है, ठीक है ये दोस्तों आप देख सकते हो 5 मैच के अंदर विकेट लेस गए, इसको 5 करना पड़ेगा, ठीक है ये हो गया दोस्तों करेक्ट। गुरिंदर संधु का दोस्तों 9 मैचेस के अंदर मात्र 4 विकेट है हेड टू हेड के अंदर, लेकिन दोस्तों गुरिंदर संधु का फॉर्म बहुत अच्छा है इस टाइम पे, तो आपको फॉर्म को हमेशा ऊपर कंसिडर करना है ज्यादा, और 6 मैच के अंदर विकेट लेस गए अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स। असनैन इस टीम के खिलाफ नहीं खेले, असनैन दोस्तों एक स्टार बॉलर है सब जानते हैं इनके बारे में। तनवीर संघा का 3 मैचेस के अंदर 3 विकेट है हेड टू हेड के अंदर, बॉल सेकंड के अंदर 2 मैचेस में 3 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 मैच के अंदर 0 विकेट है बॉल फर्स्ट में। एलेक्स रूस का 11 मैच में 97 रन से 10 की औसत है, मेरे हिसाब से दोस्तों एलेक्स रूस को खिलाना चाहिए यार, इस भाई साहब को क्यों नहीं खिला रहे, इतना बढ़िया बैटर है, आप वहाँ पे ओलिवर डेविस को खिला रहे हो, वो भी अच्छे प्लेयर, ऐसी बात नहीं है। स्टार्टिंग में डैनियल सैम्स है, हसनैन है, नेथन मैकेंड्रू है, डेथर में दोस्तों आएंगे डैनियल सैम्स, मोहम्मद हसनैन, नेथन मैकेंड्रू, गुरिंदर संधु। पावर जोड़ में डैनियल सैम्स आते हैं, हसनैन आते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स की, जब ये खेलते हैं अगेंस्ट सिडनी थंडर, तो फिलिपिन 7 मैच खेले, 17 की औसत है, 121 रन है, बैट फर्स्ट 113 है, चेस के ऊपर 64 है, 20 है 11 है 0 है। आएंगे जैक एडवर्ड्स, 3 मैच खेला है अगेंस्ट सिडनी थंडर और कुल मिला के 2 ही बार बैट करा है और 26 रन है, अब देखो कैसे हैं, 17 चेस के ऊपर 9 चेस के ऊपर है। आएंगे फिर दोस्तों यहाँ पर कौन, मोजेस एनरिकेस, 16 मैच 347 रन है, 35 की औसत है, बहुत अच्छे नंबर है इनके। बैट फर्स्ट में देखो 20 18 13 13 1 10, चेस के ऊपर देखो 76 नॉट आउट, 56 41, 28 नाबाद 27 नाबाद 18 नाबाद 15 7 4 नाबाद। तो आप देखो दोस्तों जो लास्ट मैच इनके बीच में हुआ था ना, तब क्या हुआ था आपको पता है, मोजेस एनरिकेस बैट फर्स्ट करते थे उसमें फ्लॉप हुए थे, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। युक्स की बात करते हैं, 12 मैच 369 रन है,
और 46 के एवरेज दोस्तों बहुत अच्छा इनका भी परफॉर्मेंस रहा यार, 12 मैच के अंदर 46 के एवरेज रखना छोटी मोटी बात होती नहीं है। बैट फ्रेश 29-20-0-50 लास्ट टाइम करा था इसने लास्ट ईयर वाले बिग बैश लीग के अंदर, मतलब दिसंबर के अंदर ही, इसी साल का बिग बैश लीग था मतलब लास्ट ईयर। बैट सेकंड 66 नॉट आउट, 54 नॉट आउट, 51 नॉट आउट, 41 नॉट आउट, कितनी दूसरे कंसिस्टेंसी है। 37 से 13-7-1 है। जॉर्डन सिल का 13 मैच 196 रन है, चेस के औसत है। बैट फर्स्ट 23-5-18 नाबाद। इस साल दोस्तों इनका बिल्कुल अच्छा नहीं यार जॉर्डन सिल का, वरना लास्ट ईयर आप सोचो 16 मैच के अंदर भाई साहब के लगभग 400 रन थे लास्ट ईयर, इस साल तो रन ही नहीं निकल रहे इस बंदे के। बैट सेकंड 69 नॉट आउट, 42-16-13-8-2-0। डैन क्रिश्चियन का 15 मैच में 31 के औसत है, 276 रन है, 12 विकेट है। बॉल फर्स्ट 5 मैच में 5, बॉल सेकंड के अंदर 10 मैच में 7 विकेट है। बैट फर्स्ट के अंदर 75 नॉट आउट, 24-21 नाबाद, 18-16-6-5-4-0 नाबाद, लास्ट टाइम 41 नॉट आउट करा था आपको याद हो तो। शिन अबाउट 13 मैच में 16 विकेट है, 76 रन विद द बैट है। बॉल फर्स्ट के अंदर इसके 9 मैचेस में 10 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 4 मैच में 6 विकेट है। हाइडन खैर का 2 मैच के अंदर 3 विकेट है बॉल सेकंड करते हुए हर बार। और बैंड वर्सेस की बात करते हैं यहाँ पे, 10 मैच में 10 विकेट है बॉल फर्स्ट के अंदर, 7 मैच में 8, बॉल सेकंड के अंदर 3 मैच में 2 विकेट है। स्टीव ओकीफ का 10 मैच में 7 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 9 मैचों में 7, बॉल सेकंड के अंदर 1 मैच में 0 विकेट है, 6 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। जैक्सन बर्ड्स 10 मैच 6 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 7 मैचों में 4 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 3 मैचों में 2 विकेट है और 5 मैच के अंदर विकेट लग गया है। पॉप का स्टैट देख लो दोस्तों यहाँ पे, लिलियर्ड पॉप का ठीक है, इनका भी ठीक स्टैट्स है। स्टार्टिंग और एबॉट है, बैन द्वारिसेस है, हाइडन खेयर है। डेथ में बैन द्वारिसेस, शीन अबॉट, हाइडन खेयर। अगर दोस्तों किसी बॉलर का दिन खराब हो गया तो डैन क्रिश्चियन आके कवर कर जाते हैं। पावर सर्ज में शीन अबॉट एंड बैन द्वारिसेस आते हैं। बात करेंगे दोस्तों वेन्यू स्टैट्स की, इट इज द होम ग्राउंड ऑफ सिडनी सिक्सर्स, आपको ध्यान देना है। फिलिपी ने यहाँ पे 20 मैच खेले हैं, लगभग 568 रन है, 33 की औसत है। बैट पर 52-20-17-10-9-9, फिर 7-7-3-83 है। चेस के ऊपर कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेहतर दिखी है मेरे को। 86 नॉट आउट, 81 नॉट आउट, 61 है, 15 है, 11 है, 7 है, 4 है, 0 है, 72-23-0 है। तो आप समझ सकते हो कि बैट सेकंड के अंदर इसके यहाँ पर 4 बार 60 प्लस स्कोर्स आए हैं, बैट फर्स्ट के अंदर सिर्फ 2 बार 50 प्लस स्कोर्स आए हैं। जैक एडवर्ड्स 7 मैच 52 रन है, बैट फर्स्ट 13-11-7-4, चेस के ऊपर 17 है। डैन उसकी बात करते हैं, 29 मैच 549 रन है, 25 की औसत है यहाँ पे, 7 टाइम 30 प्लस स्कोर से 6 बार तो सेकंड इनिंग्स के अंदर आए थे। मोजेस हेनरिक्स का 46 मैच के अंदर 808 रन है, 24 की औसत है और 8 टाइम 30 प्लस स्कोर है। जॉर्डन सिल का यहाँ पे 38 मैच के अंदर 35 की औसत है, 649 रन है, इसको 35 करना पड़ेगा यार ठीक है, 36 है ठीक है। अब देखो जॉर्डन सिल की बात करते हैं, 10 टाइम्स यहाँ पे 30 प्लस स्कोर है, 6 बार दोस्तों यहाँ पे पहली पारी के अंदर आए हैं। अब देखो यहाँ पे डैन क्रिश्चियन की बात करते हैं, 11 मैच 99 रन है, 10 विकेट्स हैं, 2 मैच के अंदर दोस्तों यहाँ पे विकेटलेस भी गए। देखो दोस्तों कितने बड़े स्टैट्स होते हैं, मेरे को स्कूल गल में कितना टाइम लग गया यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे शीन अबॉट 57 विकेट है भाई साहब मात्र 37 मैचेस के अंदर, यहाँ पे अद्भुत स्टैट्स है। और जब लास्ट टाइम यहाँ पे खेला था 29 दिसंबर को, 4 विकेट निकाला था और 30 प्लस स्कोर करा था, MVP प्लेयर थे, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे लास्ट टाइम स्वैनी के ऊपर। हाइडन खैर 7 मैच 5 विकेट है, बैन वर्सेस का 28 मैच में 32 विकेट, 8 मैच के अंदर विकेट लग गया है। जैक्सन बर्ड्स का 12 मैच में 6 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 6 मैचों में 2 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 6 मैच में 4 विकेट है, 5 मैच के अंदर विकेट लेस है। स्टीव ओकीफ का दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, हमेशा SCG के ऊपर मैंने ऑब्जर्व करा दोस्तों, स्टीव ओकीफ इज वेरी वेरी गुड पिक या लीथल पिक एट दिस वेन्यू सेकंड इनिंग्स। 32 मैच 27 विकेट है, 12 मैच के अंदर विकेट लेस गए। सिडनी थंडर की बात करते हैं, मेमोरी टीम है तो इनका दोस्तों देखो आप एलेक्स हेल्स का यहाँ पर 2 मैच के अंदर 60 की औसत है, 121 रन है। देखो हर बार बैट फर्स्ट करा है, 89 करा 52 गेंदों के अंदर, 32 करा 31 गेंदों के अंदर। मैट गिल्स का यहाँ पे 0 बैट फर्स्ट करते हुए, जैसा संघा का 5 है बैट फर्स्ट करते हुए। एलेक्स रूस का 4 मैच में 51 रन है, 13 की औसत है। डैनियल सैम्स का यहाँ पे 6 मैच के अंदर 2 विकेट है, ये दोस्तों एक्स प्लेयर है, आपको पता होगा पहले सिडनी सिक्सर्स के लिए भी खेल चुके हैं डैनियल सैम्स एकदम स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो। मेरे को दोस्तों याद है अभी भी, एक बार इनको दोस्तों मैंने देखा था सिडनी सिक्सर्स के अंदर, आई थिंक 2-3-4 साल पहले की बात है ठीक है। और यहाँ पे 6 मैचेस में 2 विकेट है। डैन कटिंग्स का यहाँ पे 4 मैच में 2 विकेट है, 54 रन है। नेथन मैकेंडू का 1 मैच में 0 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए। क्रिस ग्रीन का 6 मैच में 5 विकेट है, 43 रन विद द बैट, 3 मैच के अंदर विकेट। तन्वीर सांगा यहाँ पे निकले। गुरिंदर संधू का 4 मैच में 1 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लग गया, 1 विकेट इसने बॉल फर्स्ट करते हुए निकाला था। बात करेंगे यहाँ पे किसकी मैचअप्स की, तो एलेक्स हेल्स का स्ट्रगल दोस्तों यहाँ पे जैक्सन बर्ड्स के सामने अच्छा खासा रहा है, 29 गेंद 34 रन, 3 बार आउट कराया, 2 बार तो पहली बारी में आउट कराया। शीन अबॉट ने भी इनको 7 गेंद 14 रन देकर एक बार आउट कराया, लास्ट टाइम शीन अबॉट ने आउट कराया एलेक्स हेल्स को सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम के ऊपर, अगर आपको याद हो तो। 16 ओवर का मैच हुआ था, छोटा मैच हो गया था ना वो, जिसके अंदर डैन क्रिश्चियन आए थे 41 करके गए थे क्विक फायर। अब देखो यहाँ पे मैट गिल्स की बात करते हैं, इनका शक्ल बैन वर्सेस सामने 6 गेंद 6 रन, एक बार आउट हुए इनके दोस्तों लास्ट टाइम ना
बैंड वर्सेस ने सेट करके आउट करा था, मिड विकेट के ऊपर फील्डर लगाया था और कमर के आसपास बॉल डाली थी थोड़ा सा लेग साइड के ऊपर और वहाँ पे फ्लिक मार दिया था उन्होंने। शॉट अच्छा था, टाइम भी अच्छा हुआ था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गया था। जसन सांगा वर्सेस शीन अबॉट, 11 गेंद 10 रन, हैडन कैन ने 7 गेंद में 14 रन के एक बार आउट कराया। ऑलिव डेविस येट टू फेस है। एलेक्स रूस वर्सेस शीन अबॉट, 22 गेंद 10 रन, दो बार आउट कराया। डैनियल सेम्स का दोस्तों सबके सामने थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल है, लास्ट टाइम मिक्की एडवर्ड्स ने आउट करा था छक्का खाने के बाद। डैन कटिंग्स वर्सेस शीन अबॉट, 21 गेंद 27 रन, दो बार आउट कराया, दोनों बार पहली पारी में आउट कराया। डैन क्रिश्चियन ने भी 19 गेंद में 24 रन देकर दो बार आउट कराया। दोस्तों दो लीजेंडरी प्लेयर्स यहाँ पे, एक डैन कटिंग्स है एक डैन क्रिश्चियन है, दोनों के बीच में दोस्तों मैचअप चलता रहता है। एक बार क्या होता है, कटिंग्स क्रिश्चियन का आउट करते हैं, फिर दोस्तों क्रिश्चियन कटिंग्स का आउट करते हैं, मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इन दोनों के बीच में अलग ही दुनिया चलती रहती है। बात करेंगे यहाँ पे जो फिलिपी की, इनका स्ट्रगल डैनियल सैम्स के सामने, 37 गेंद 36 रन, दो बार आउट कराया। गुरिंदर संधुनियन को एक बॉल में 0 रन देकर एक बार आउट कराया। जैक एडवर्ड्स वर्सेस जोनाथन कुक, 13 गेंद 13 रन, एक बार आउट कराया। और एक बार क्रिस मॉरिस ने आउट करा था, पर क्रिस मॉरिस दोस्तों सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते नहीं है, वो यार रिटायरमेंट ही ले चुके अब तो ऑल फॉर्म से। डैन हुक्स के बाद तरन का स्ट्रगल कटिंग्स के सामने, 17 गेंद 30 रन, दो बार आउट कराया। क्रिस ग्रीन ने एक बार, तनवीर सांगा ने एक बार। मोसेस एंड्रिकेस वर्सेस डैनियल सैम, 7 गेंद 6 रन, दो बार आउट कराया, दोनों बार दूसरी पारी में। कटिंग्स ने 32 गेंद में 45 रन देकर दो बार आउट कराया, दोनों बार दूसरी पारी में। लास्ट टाइम क्रिस ग्रीन ने आउट करा था 30 गेंद में 48 रन देकर एक बार आउट कराया। जॉर्डन सिल्क वर्सेस सैम्स, 2 गेंद 0 रन, दो बार आउट कर रखा है भाई साहब को। डैन क्रिश्चियन वर्सेस डैनियल सैम्स, 15 गेंद 25 रन, तीन बार आउट कराया, तीनों बार पहली पारी में आउट कराया। कॉमन कैप्टन डैनियल सैम्स है जो फिलिपी बड़ी लीग्स में बना, पर डैनियल सैम्स को फिलिपी ऑलेक्सिस को शेन अबॉट को, चार दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं, अलग जाना ट्राई करना मोसेस एंड्रिकेस को, जसन सांगा, डैन क्रिश्चियन को। अब दोस्तों आपसे एक सवाल करूंगा मैं, आपको बस कमेंट करके आंसर देना उसका। यहाँ पर दोस्तों सबका कैप्टन कॉमन रहेगा, डैनियल सैम्स दोस्तों सबसे डिफॉल्ट और सबसे बेहतर कैप्टन है, जो दोस्तों हर डिपार्टमेंट में अच्छा करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर आपको दोस्तों एक और बात बताऊंगा कि वाइस कैप्टन अपन किसको करें, क्या दोस्तों अपन वाइस कैप्टन यहाँ पे फिलिपी को करें या एलेक्स सेल्स को करें या फिर शीन अबॉट को करें। आपके पास दोस्तों तीन सबसे बेहतर ऑप्शंस है, आप दोस्तों कमेंट करना, अपन साथ में दोस्तों खेलते हैं, साथ में हमेशा अपन दोस्तों जीतते हैं हारते हैं, वही बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वाइस कैप्टनसी का, स्टैट्स देखना और दोस्तों आप अपना सहयोग दिखाना आपके कमेंट करके, ठीक है? आपका कमेंट दोस्तों जरूर पढ़ूंगा, लॉजिक भी बता देना कि आप वहाँ पर दोस्तों को कैप्टन क्यों कर रहे हो, ठीक है? अब देखो अभी बड़ी लिस्ट में करना है, रिस्क लेने से दोस्तों लाइफ में कभी नहीं डरना, मैं आपको हमेशा कहता हूँ दोस्तों, उसमें मेरा 2 मिनट वेस्ट हो जाता है लेकिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आधे लोग तो स्किप कर दे रहेंगे भाई साहब, क्या बोल रहे हैं बार बार, यही रिस्क लेने से नहीं डरना दोस्तों, ठीक है? अपने दिल की सुननी है, अपने दोस्तों दिल के अंदर नहीं रखना यार, मैं ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, काश मैंने ऐसा किया होता, आज दोस्तों मेरे पास एक खोखा होता या दोस्तों वो होता मेरे पास, ऐसा नहीं यार, ठीक है? अपने दिल की सुननी यार, लाइफ दोस्तों ऐसी होती है यार, अपने दिल की सुने दोस्तों और अपने लाइफ को दोस्तों रूल करें, लाइफ दोस्तों आपको कंट्रोल ना करें, आप दोस्तों लाइफ को कंट्रोल करें, ये मेरा कहने का मतलब है। फिलिप यहाँ पे बहुत अच्छे विकल्प है, ग्लिक्स भी दोस्तों एक अच्छे बैटर है, सॉलिड प्लेयर लगे अभी तक जब खेलते हैं। और यहाँ पे आएंगे फिर जसन सांगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे, एलेक्स सेल्स इंपॉर्टेंट है, हेनरी गेज दोस्तों एक अच्छे विकल्प आपके पास स्पेशली चेस के अंदर, हिग्स के दोस्तों बहुत बेहतर नंबर है, इनके भी आपको कंसिडर करना है। लास्ट मैच में दोस्तों जैक एडवर्ड्स ने अच्छा काम करा था, शॉट पॉइंट दे दिया था, बहुत अच्छा करा था उस बंदे ने लास्ट मैच के अंदर, जैक एडवर्ड्स ने अच्छे शॉट्स मारता है। ये भी थोड़ा बहुत दोस्तों कैमरन ग्रीन की तरह प्लेयर है, जो कमेंटेटर्स होते हैं ना दोस्तों खुद कहते हैं ये थोड़ा बहुत कैमरन ग्रीन की तरह प्लेयर है, बस दिक्कत क्या है, इसने दोस्तों अपने आप को थोड़ा सा एनहेंस नहीं करा, अपने आप को ज़्यादा वो बोलते हैं ना दोस्तों, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करा, ऐसा कुछ दोस्तों बोल रहे थे वो लोग, पर यह भी दोस्तों बहुत बढ़िया प्लेयर है। आएंगे सैम्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, शीन अबॉट इंपॉर्टेंट, क्रिश्चियन दोस्तों अगर यहाँ पर आप सोचो कि हैडन खैर के 3 या 4 ओवर ले लो, ठीक है? शीन अबॉट के 4 ओवर ले लो, बैंड वर्सेस के 4 ओवर ले लो, ठीक है? और यहाँ पे फिर आप जैक्सन बर्ड्स के 3 ओवर ले लो, ठीक है? 3 ओवर, और श्री ओकीफ के 4 ओवर ले लो, कितने बचे दोस्तों? 1 या 2 बचेगा, वो शायद मुश्किल से डैन क्रिश्चियन डाल सकते, तो उनका रोल कम हो सकता है। फिर से वही बात है यार, क्योंकि बॉलर अच्छे खासे आ चुके हैं, श्री ओकीफ खेलते हैं तो उनका रोल कम ही हो जाएगा डैन क्रिश्चियन का। बैन वर्सेस इंपॉर्टेंट है, गुरिंदर संधु दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर्म में, और हैडन खैर ठीक ठाक प्लेयर है दोस्तों, हसने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए हमेशा। तनवीर सांगा दोस्तों क्वालिटी लेग स्पिनर दोस्तों, मेरे को दिल से बहुत अच्छे लगते हैं जब बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन दोस्तों लटकाते हैं, फ्लाइट देते हैं बॉल को, दूसरी बारी में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नथन मैकेंड आपके ऊपर निर्भर करता है, जैक्सन बर्ड थोड़े से रिस्की, आप ट्राई कर सकते हो। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगा आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। चैनल पर दोस्तों न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद जय जवान जय किसान।